हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हमारा सेट है 56, तो देखेंगे आज के लेक्चर में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मेरे जीएस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जीएस परचेज करने की जो लास्ट डेट थी वो तो कल थी, लेकिन कुछ बच्चों के बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं, ठीक है, आए भी और मेल्स भी आए कि सर हमने कोर्स जो है एंड टाइम पे नहीं परचेज किया वगैरह वगैरह, तो आप आज भी अपना कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। तो कोर्स को परचेज करने के लिए जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगी और एट द एंड बाय नाउ करके VIP 500 का जो है आपको कोड यूज करना है। VIP 500 जब कोड यूज करोगे तो 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके अंदर जो है 2 साल तक आप वीडियोस को देख सकते हो। डाउनलोड ऑप्शन यहां पे है, PDFs आपको सब वीडियोस की यहां पे मिलेगी। ठीक है, तो ये इस चीज से जो है आप सारी चीजें देख लीजिए, 250+ वीडियोस इसके अंदर ऑलरेडी जो है प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज भी आप अपने इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं अगर आपको कोर्स परचेज करना है। तो आगे आपको बता दूं, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं डेली क्विज शेयर करता हूँ और यहाँ पे बच्चे काफ़ी अटेम्प्ट करते हैं, ऑप्शन के साथ ही क्लिक करके आपको आंसर पता लग जाता है कि क्या होगा, स्टोरीज के अंदर होता है वो। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और PDF वगैरह के लिए जो है आप टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में डॉक्टर विपन गोयल सर्च कीजिए और आप जो है लिंक जुड़ जाएगा और आज इन सब के लिंक जो है मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी डलवा दूंगा कि आप वहाँ पे मेरे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई भी डाउट आता है, कोई भी एग्जाम होता है, तो आप मेरी जीमेल आईडी के ऊपर अपना डाउट वगैरह सेंड कर सकते हो। तो आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, ये पहले आपका क्विज है, तो क्विज को फटाफट अटेम्प्ट कीजिए ताकि एक आपको बूस्ट मिले कि हाँ यार हमें भी कुछ आता है। आता तो बहुत कुछ है लेकिन आप लोगों को बस किसी को बताते नहीं हो। तो बताइए जी, इसका आंसर बताइए कि क्या क्या होंगे, इसके आंसर क्या क्या होंगे। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, हु इज महेंद्र राजापक्षा, कौन है जी ये, कौन है ये पर्सन, कौन है महेंद्र राजापक्षा, कौन है महेंद्र राजापक्षा जो है ये प्राइम मिनिस्टर हैं, किसके प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, पहले तो आंसर फटाफट बताते रहिए, बीच बीच में काफी बच्चों के मैसेज आते हैं, जैसे भी एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर ये BPSC के लिए भी है। बिल्कुल जी, आप किसी भी स्टेट एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, आप किसी डिफेंस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, CDA CPF वगैरह को, स्टेट लेवल तक के एग्जाम्स को तैयारी कर रहे हैं, कोई SSC CGL वगैरह जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है ये कोर्स बनाया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। चलो जी, अब हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, हु इज महेंद्र राजापक्षा, महेंद्र राजापक्षा कौन है। तो पहला जो आंसर है वो क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इज द राइट आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरा देखिए जी क्या कहता है, दूसरा एक है इंटरनेशनल टी डे, इंटरनेशनल टी डे कब होता है, चाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है। तो चाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, दूसरा क्वेश्चन इज दिसंबर 15, 15 दिसंबर को होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कौन द रिसर्चर ऑफ गोथनबर्ग स्वीडन हैव डेवलप्ड ए पोटेंशियल डायरिया वैक्सीन कैंडिडेट नेम्ड एज, कौन सी जो है रिसर्चर ऑफ द, इन्होंने कौन सी जो मतलब आई मीन टू से वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, तो वैक्सीन कौन सी जो है, वैक्सीन कौन सी जो है इसके अंदर है, दैट इज एटवैक्स, एटवैक्स, एटवैक्स इज द राइट आंसर, एटवैक्स। ठीक है, और फोर्थ देखते हैं, IRCTC ने जो है अभी किसके साथ जो है एक MOU साइन किया है ताकि ऑपरेट करे गोल्डन चैरी ट्रेन। ये गोल्डन चैरी ट्रेन जो जितने भी आपके साउथ के मुंबई, कर्नाटक वगैरह, तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके स्टेशन हैं यहाँ पे चलती है ये। ठीक है, तो इसमें जो है साइन किया है कर्नाटक के साथ, किसके साथ, कर्नाटक के साथ उन्होंने ये आपका MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ये क्या कहता है, कौन सी स्टेट ने जो है ओवरऑल ग्रोथ जो टूरिज्म कैटेगरी के अंदर, ठीक है, टूरिज्म कैटेगरी के अंदर जो है सबसे जो है बेस्ट स्टेट का अवार्ड ढूंढ मिला है उसको, तो वो कौन सी स्टेट है। तो सब के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं जी, ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को, समझ आ गया, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। तो ये था आज का क्विज जो आपको अटेम्प्ट करना था और आई होप जो है आपको, आपने इसके आंसर भी दिए होंगे और अगर आंसर दिए हैं तो आपको एक एनर्जी भी मिलती है कि हाँ यार
पांच में थे, चार तो सही हुए, दो सही हुए, तीन सही हुए, तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। तो देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन के ऊपर। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी, प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन को चूज करते हैं, कब चूज किया जाता है। देखिए फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन देखिए आर्टिकल किस नंबर में है, 280 के अंदर आता है, पांच साल के लिए चुना जाता है, ठीक है, और इसके अंदर पांच साल के लिए चुना जाता है। अब एक चीज देखिए, सेंटर वाला जो होगा वो प्रेसिडेंट, सेंटर वाला जो जो होता है ना, सेंटर मतलब उसमें लिखा होगा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया लिखा होगा, अगर स्टेट वाला लिखा होगा ना तो स्टेट फाइनेंस कमीशन। और मैंने आपको बहुत बार बताया है, हमारे जितने भी कोर्स है कोर्स के अंदर भी मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं कि सेंटर वाला आएगा तो आंसर प्रेसिडेंट डाल दोगे, स्टेट वाला आएगा तो गवर्नर डाल दोगे। तो यहाँ पे स्टेट वर्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये किसके लिए बात कर रहा है, स्टेट सेंटर के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन, दैट इज 15th फाइन जो है आपका पाँच सालों के लिए चुना जा रहा है। अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है इनके जो इनके जो पर्सन है, आई मीन टू से चेयर पर्सन है, वो कौन है, एन के सिंह इज द चेयर पर्सन, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था उसके थे के सी नियोगी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, के सी नियोगी। और फाइनेंस कमीशन बना कब था, फाइनेंस कमीशन जो बना था वो 1951 में बना था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर बताएंगे, एक क्वेश्चन है कि जो एन के सिंह है, 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, दो क्वेश्चन जुड़ते हैं यहाँ पे, जो आपने देखना है, गूगल करना है, नहीं आता नहीं तो गूगल करना ही करना है, दिमाग खुलना चाहिए आपका, आप भी थोड़ा सा सर्च करो उस चीज़ के लिए। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एन के सिंह, ये इनका जो टाइम पीरियड है वो कौन से साल से कौन से साल तक है, ये आपको लिख लेना है अपने साथ में, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इनका टाइम पीरियड मतलब 2019 से 24 तक है, 18 से 23 तक है, इस तरीके से, ठीक है। और इनकी जो रिकमेंडेशन है, इनकी जो रिकमेंडेशन है वो कब से कब तक है, मतलब वो कब से कब तक लागू होंगी, दोनों क्वेश्चन टाइम पीरियड के क्वेश्चन हैं। टाइम पीरियड का मतलब एन के सिंह कब से लेके कब तक अपॉइंट किए गए हैं, और एन के सिंह ने जो रिकमेंडेशन दी हैं वो कब से लेके कब तक लागू होंगी, ये दोनों क्वेश्चन मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। बिल्कुल अच्छा से आप जो है आप बिल्कुल आंसर सही देते हैं, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन अगर गलत भी लगता है, दिमाग फिर भी गड़बड़ होती है, तो इसको ढूंढ के ना अपनी कॉपी पर लिख लोगे। नेक्स्ट लगाइए जी, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द सेवंथ एडिशन ऑफ मित्रा शक्ति, सेवंथ एडिशन ऑफ मित्रा शक्ति जो है एक्सरसाइज है, ये 2019 की मित्रा शक्ति जो एक्सरसाइज है 2019 की, कहां पे देखने को आपको मिली है, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये देखने को मिली है कहां पे, पुणे के अंदर, कहां पे, पुणे के अंदर देखने को आपको मिली है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, बी आंसर बनेगा पुणे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ये कहां पे जो है खेली मतलब करी गई है, इट्स अनुद मिलिट्री स्टेशन, ये अनुद मिलिट्री स्टेशन कहां पे हो गया, पुणे के अंदर देखने को आपको मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि मित्रा शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ करी है, इंडिया और श्रीलंका ने मिलके करी है, और अगेन आपसे पूछा जाए ये क्यों करी गई है, क्योंकि ये जो है पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग नेशन की, ये यूएन पीस कीपिंग नेशन का एक पार्ट है, उसकी एक एक्सरसाइज है, तो उसके लिए करी गई है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, Which one of the following events to Buddha's life did not take place on the full moon day, that is पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन इनमें से कौन सा ऐसा जो दिन है वो नहीं हुआ था। तो पहला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, बर्थ बिल्कुल जी बुद्ध पूर्णिमा हम वर्ड यूज करते हैं, और इनके बचपन का नाम जो था डैट इज सिद्धार्थ था, और जो है गौतमी इनकी जो है स्टेप मदर थी, इसीलिए इनको गौतम भी वर्ड यूज़ किया जाता है, सिद्धार्थ गौतमी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है डेथ भी इनका जो है पूर्णिमा के दिवस के ऊपर देखने को मिला था। इनलाइटनमेंट भी जो है, इनलाइटनमेंट जब पीपल ट्री के नीचे बैठे थे तो बोध गया के अंदर, तब वहाँ पे फाल्गु रिवर वह बह रही थी, वहाँ पे जो है इनको आई मीन टू से ज्ञान प्राप्ति हुई। रिनन्सिएशन,
नहीं, रिनंसिएशन का मतलब जब घर छोड़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो रिनंसिएशन क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा, दैट मींस थर्ड क्वेश्चन का आंसर इज डी, डी आंसर बनेगा जी, रिनंसिएशन, ठीक है, रिनंसिएशन इज द राइट आंसर, रिनंसिएशन। और दूसरी बात, यहां पे एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जब ये गए थे, जब ये गए थे घर छोड़ के, तो इसका एक, इनका एक चैरियट था, ठीक है, मतलब आई मीन टू से घोड़ा और हॉर्स लगा लो आप, ठीक है, हॉर्स और चैरियटर, ठीक है, इनके नाम बता सकते हैं मुझे, ठीक है, इनके नाम बता सकते हैं मुझे, थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए आपका कि क्या आंसर है इसका, हॉर्स और चैरिटर का, मैंने ऑलरेडी बहुत बार आंसर बताए हैं, बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो है, ये आप मुझे बताएंगे कि हॉर्स और चैरिटर कौन कौन से थे, ठीक है, ये फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन देने का मतलब यहाँ पे पता क्या होता है, ऐसा नहीं कि मैं करवा नहीं सकता, लेकिन ये होता है कि आप कितना जानते हो, आप कितना उस चीज के लिए खलबली आपके अंदर मची हुई है कि हाँ मुझे ये आंसर ढूंढना है, जब मुझे आता नहीं है कि सर ने क्या पूछ लिया, पेपर में भी ऐसे भी कोई भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिए जी, ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं क्या आंसर है इसका, आप देख के मुझे बताएंगे ये कमेंट सेक्शन में, आंसर इज डी। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है नए प्रेसिडेंट कौन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन है इनमें से, बिल्कुल सही आंसर जी, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, डेट इज इट्स मात्सुगु आसकावा, मात्सुगु आसकावा इज द राइट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बन गया ए, ठीक है। एक चीज और कि एडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, एडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, मनीला, और मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की, फिलीपींस, क्लियर। तो यहाँ के हेडक्वार्टर हैं, और इसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बता रखा है आपको, जापान का इसके अंदर सबसे ज्यादा शेयर है एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर। और अगेन आपको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जितने भी मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड वगैरह जो होते हैं, वो मैक्सिमम जो लड़कियां होती हैं ना, तो वो फिलीपींस ही देखने को मिलता है, मतलब फिलीपींस का ऐसा होता है कि पहले टॉप थ्री में तो होंगी होंगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आंसर पता होना चाहिए कि आंसर क्या बन गया जी आपका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इट्स मस्त आसकावा, ए इज द राइट आंसर। और ये कब तक अपॉइंट होंगे, 2021 तक, 2021 तक जो हैं ये जो हैं कुर्सी के ऊपर बैठेंगे, तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग खराब करने वाला और दिमाग के ऊपर ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन लगा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बताने हैं इनमें से कौन से हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं इनमें से, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बताइए जी इनमें से कौन से हैं। आपको मैं बता दूं कि ये चार न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और चारों चार ऑप्शन में ही हैं, पर यहां पे जो ऑप्शन है देख लेंगे कौन सा है, एसिटाइल कोलीन होता है, नॉर एड्रेनालिन होता है, डोपामिन होता है और सेरोटोनिन होता है। तो ये चार जो होते हैं ना, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये होते हैं चार न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो इसमें से आंसर देखो जी कौन सा बन जाएगा, कौन सी ऑप्शन में है ये, इनमें से दो ऑप्शन कौन से हैं, दैट इज डोपामिन एंड नॉर एड्रेनालिन। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बन गया। सो बी क्या बन गया, राइट आंसर बन गया, अदरवाइज ये चार होते हैं, ये ध्यान रखिए, क्लियर। अब बात ये है कि इनका फंक्शन क्या है, जैसे एसिटाइल कोलीन है, एसिटाइल कोलीन क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है इसके साथ, और प्लस जो है पेन रिस्पॉन्स जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, और एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है, कौन है, एसिटाइल कोलिन रेगुलेट करता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपका, दैट इज नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन को हम और क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी वर्ड यूज किया जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन वर्ड भी यूज किया जाता है। और ये क्या करता है कि ये जो है हार्ट बीट वगैरह को जो है सबको कम कर देता है, पल्स रेट को, सब चीजों को कम कर देता है। तो आंसर इसका जो है नॉर एपिनेफ्रिन का ये बन गया। और तीसरा है डोपामिन, डोपामिन जो है ये किसके साथ रिलेट करता है, हैप्पीनेस के साथ,
किसके साथ? हैप्पीनेस, यानी कि खुशी अगर होगी आपको तो वो डोपामिन इंक्रीज के कारण देखने को आपको मिलती है। और सेरोटोनिन जो होता है ये आपका जो है मूड को कंट्रोल करता है, मूड को सेट करके रखता है। ठीक है, मूड इज नॉट द हैप्पीनेस, ध्यान रखना, हैप्पीनेस इज वन काइंड ऑफ द मूड। ठीक है, मूड आपका गंदा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, कुछ किसी टाइप का भी मूड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आंसर बन गया जी आपका, दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर? राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है। प्लेटीहेलमिंथिस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, प्लेटीहेलमिंथिस जो होते हैं ये किस चीज के लिए होते हैं? प्लेटीहेलमिंथिस जो होते हैं ये, इनमें से क्या चीज देखने को मिलती है? प्लेटीहेलमिंथिस, ठीक है, तो बताइए जी ये क्या है? तो ये है आपके ऑप्शन, लगाइए का आपको फोटो दिखाइए। तो ये आपके ऑप्शन, मतलब ये होते हैं प्लेटीहेलमिंथिस। पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए, जैसे फ्लैट वर्म हो गया, इट्स मोनिगिनियन हो गया, फ्लूक्स हो गया, ठीक है, टेप वर्म हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा मूड मत करो, तो यहाँ पे आ जाओ सीधा क्वेश्चन के ऊपर। फ्लैट वर्म, मोनिगिनियन, फ्लूक्स, टेप वर्म वगैरह, ये सारे जो हैं आपके, ये सारी किसकी ऑप्शन हो गई आपकी? डैट इज द प्लेटीहेलमिंथिस। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाया जाता है। तो ये जो हैं आपकी ऑप्शंस हैं, इसमें से आंसर बताना है जी क्या ऑप्शन इसमें से बनेगा। तो इसमें से जो ऑप्शन बनेगा, फ्लैट वर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सिलोमेट, यानी कि इनकी जो है सिलोम नहीं होता, बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलती, एब्सेंट। तो आंसर इसका क्या बनेगा? सिक्स्थ क्वेश्चन का ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। और इसकी ऑप्शंस भी मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, ये बिल्कुल बाउंस क्वेश्चन आएंगे, जो बच्चा कह रहा है ना बाउंस क्वेश्चन तो होंगे पेपर में, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि पेपर में ना चोक पॉइंट्स होते हैं। चोक पॉइंट्स का मतलब पता क्या होता है? कि हाँ, आपको दो क्वेश्चन दे दिए कि आपको आते हैं, आप बहक जाएंगे कि हाँ मुझे आता है। अगर तीसरा क्वेश्चन अगर नहीं आता ना, तो आप उसको भी करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपको वो आता ही नहीं है तो कैसे कर लेंगे आप? तो एग्जामिनर का मूड यही होता है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत करवाए, आते हुए क्वेश्चन भी गलत करवाए। तो आपको क्या लगेगा कि यार ये कर दो, कुछ नहीं होता, एक ही तो क्वेश्चन है। लेकिन वो अगर गलत होता ना, तो अगले दो क्वेश्चन और भी साथ में गलत हो जाते हैं जो आपको आते होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर लगेगा दिमाग, जो आपको पता ही नहीं है कि हाँ आंसर क्या है। ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। तो आंसर इज द ए ऑप्शन, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ए सिलोमेट, फ्लैट वर्म्स, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2019 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? किस फुटबॉल प्लेयर ने जीता है? ठीक है, किस जो है प्लेयर ने जीता है? डेट इज लियोनेल मेसी। इन्होंने रिकॉर्ड टाइम जो है सिक्स टाइम जीता है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और पांच बार किसने जीता है जी? रोनाल्डो ने जीता है। नेक्स्ट, इंडिया विल गिफ्ट मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल नेम्ड कामयाब, ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ ये किसको गिफ्ट करने वाला है? ये गिफ्ट करने वाला है जी किसको? एट क्वेश्चन, मालदीव्स को। तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। और मालदीव्स की जो कैपिटल है वो क्या है? माले। और मालदीवियन रुफैया ये क्या है? करेंसी है। मालदीवियन रुफैया इज द करेंसी। और इब्राहिम मोहम्मद जो ये पर्सन है, इब्राहिम मोहम्मद, ये क्या है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इज सी ऑप्शन, मालदीव्स। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस टू, किसका जो इलेक्शन है ये करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन जो है ये किसका इलेक्शन करवाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन मैंने आपको बहुत बार बताया है, जैसे अभी सेंट्रल स्टेट का बताया था ना फाइनेंस कमीशन का, तो ऐसा ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये दो चीज़ें होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे, यानी कि प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, स्टेट्स के, जाने के स्टेट्स के अंदर जाने के विधानसभा, विधान परिषद, ये सब के इलेक्शन करवाता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन दो चीज़ों के इलेक्शन करवाता है,
जो है पंचायत का और म्यूनसिपैलिटी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें सीधा इलेक्शन कमीशन पूछा है, तो ये सारे आंसर बनेंगे जी आपके डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सभी के इलेक्शंस के जो है काम करवाता है। अब बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका जो आर्टिकल है वो कितना है, 324, 326 क्या होता है, राइट टू वोट, जो आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वर्ड यूज करते हैं, और ये आपका जो है लीगल राइट होता है, फंडामेंटल राइट नहीं है, क्लियर। और प्लस एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी आप इसको कह सकते हैं, लीगल राइट भी इसको कह सकते हैं, बट अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट के ऊपर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस एक चीज और है, 6 सालों के लिए चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, इनमें से ऐसी कौन सी लिविंग स्पीशीज है जो स्पेस के अंदर, जो स्पेस के अंदर सर्वाइव, डेट कैन सर्वाइव इवन इन द स्पेस, स्पेस के अंदर सर्वाइव कर सकती है। तो ये आपको फोटो दिखाता हूँ, ये अजीब सी आपको फोटो लगेगी, तो दिस इज द स्पीशीज, ठीक है। ये स्पीशीज जो है ये स्पेस के अंदर भी जो है सर्वाइव कर लेती है, तो लगाइए क्वेश्चन लगाओ। तो ये स्पीशीज का नाम क्या है, ट्रेडिग्रेड्स, क्या नाम है इसका, ट्रेडिग्रेड्स, क्लियर। तो ऑप्शन क्या बनेगा, टेंथ क्वेश्चन का इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्रेडिग्रेड्स इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन, क्लियर। ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि ये स्पेस वाले जो होते हैं, स्पेस वाले लोग, हमने बोला कि स्पीशीज तो ये है, अगर आपसे पूछा कि स्पेस एल्गी बताओ जी, स्पेस एल्गी कौन सी होती है, तो आंसर क्या बनेगा, क्लोरेला, क्लोरेला इज अ स्पेस एल्गी, ये ध्यान रखना, क्लोरेला इज यूज्ड इन द स्पेस। नेक्स्ट, इंदिरा 2019 जो कंडक्ट करी गई है, ये कौन से और कौन से देश के बीच में करी गई है, ठीक है। पहली बात तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये ट्राई सर्विस हो रही है, ट्राई वर्ड का मतलब आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, ठीक है। और इंदिरा किसके साथ है, ये दो वर्ड से जुड़ता है, इंदिरा, डेट इज इंडिया एंड रशिया, तो रशिया क्या बनेगा इसका, राइट आंसर बनेगा इंडिया एंड रशिया। तो 11th क्वेश्चन का आंसर इज सी, रशिया इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा, क्लियर। अगेन यूएन फ्लैग के अंदर करी गई एक्सरसाइजेस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, तीन एक्सरसाइज और याद कर लो, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी करी हैं, हैंड इन हैंड किसके साथ होती है, चाइना के साथ, इंदिरा किसके साथ होगी, रशिया के साथ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। और मित्र शक्ति जो है अभी डिस्कस किया था हमने, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक होती है सूर्य किरण, सूर्य किरण ये किसके साथ है, नेपाल के साथ, ये भी आपको याद कर लो, ये सारी एक्सरसाइज याद कर लो ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, डेट इज रशिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 2019 का नाटो का समिट हुआ था किस कंट्री के साथ देखने को आपको मिला था, नाटो का समिट हुआ था 2019 का, ये कहाँ पे देखने को मिला था। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ब्रसेल्स, आप ब्रूजल्स कहते हैं, एक्चुअली ब्रसेल्स होता है ये, ब्रसेल्स, ब्रूजल्स, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, बेल्जियम, ठीक है, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर, तो इसके हेडक्वार्टर होते हैं। तो ये जो आपकी जो एक्सरसाइज करी गई है, नाटो का समिट जो हुआ है, ये कहाँ पे देखने को मिला है, यूनाइटेड किंगडम, 12th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, यूके के अंदर ये चीज़ें देखने को आपको मिली हैं, यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, महाजनपद का ज्योग्राफिकल रीजन देखने को मिला, मैक्सिमम कंसंट्रेशन महाजनपद की कहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। महाजनपद जो है 6th सेंचुरी के टाइम का बाद टाइम आता है, लेटर वैदिक एज के बाद का टाइम आता है, ठीक है,
इसमें 16 महाजनपद थे, 16 जनपद थे। 16 जनपद का मतलब छोटी छोटी टेरिटरीज थी जिसमें आपका कौशल राज आता था, मगध आता था, अवंती आता था, ऐसे छोटे छोटे राज्य थे। और ये राज्य जो थे ना मेनली कहाँ पे कंसंट्रेट थे, नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया के अंदर ही पावर सबसे ज़्यादा थी। रीज़न वाई, क्योंकि लैंड रूट सबसे ज़्यादा वहाँ पर था, क्योंकि लड़ाइयाँ ही वहाँ से होती थी। आपने देखा होगा अलेक्जेंडर तो आपका जो है इधर से आया, सेंट्रल एशियन थियोरी, जितनी भी हम बात करते हैं ये सारे के सारे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इधर से क्यों आते थे? रीजन इज क्योंकि लैंड वाला रास्ता यही था। ये सी वाला रूट तो जो है पुर्तगीज ने ढूंढा था, फिर उसके बाद जो है ब्रिटिशर ने इसको आगे बढ़ा लिया वगैरह वगैरह करके। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, 13 क्वेश्चन का ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट, इनमें से जो है इनकरेक्ट पेयर बताना है जी, कौन सा है इनकरेक्ट पेयर बताना है, इनमें से कौन सा है 14 क्वेश्चन में इनकरेक्ट पेयर बताना है। नाइट्रोजन जो है कंपोनेंट है प्रोटीन का, हार्मोन्स का, कोएंजाइम का, न्यूक्लिक एसिड का, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, नाइट्रोजन बिल्कुल पार्ट होता है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ही पार्ट बनाते हैं इसके अंदर। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा लेख देखते हैं, मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का पार्ट है, क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है, और इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह को। मैग्नीशियम जो ये सारा चीज़ होती है मीजोफिल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है क्लोरोफिल, जहाँ पे भी ग्रीन पत्ता, ग्रीन कलर आ गया प्लांट का, वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, खाना बनाने में काम आते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा लेते हैं फॉस्फोरस, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, एटीपीज का पार्ट है, सम कोएंजाइम्स का पार्ट है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो आपका नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है, और फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो फॉस्फोरस उसमें आ गया। एटीपी इज द जो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। एटीपी मॉलिक्यूल इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चौथा देखते हैं, सल्फर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि सल्फर का कोई पार्ट इसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सल्फर का कोई भी पार्ट देखने को नहीं मिलता, तो आंसर क्या बनेगा 14th क्वेश्चन का, डेट मीन्स डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा सल्फर, डेट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, इज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर इसमें जो है आपका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है, सल्फर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना जो है कि क्या लगता है। सो 15 क्वेश्चन देखिए जी क्या होता है, 15वां क्वेश्चन क्या बनेगा जी आपका, 15वां क्वेश्चन, द 8th इंडिया चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, अगेन वही सेम क्वेश्चन, हैंड इन हैंड। अगेन मैंने आपको बताया था हैंड इन हैंड किसके साथ हुई है, चाइना के साथ। ठीक है, तो आंसर तो पहले यही आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे देखने को मिली है, ये कहाँ पे देखने को आपको मिली है कि कहाँ पे ये हुई है। सो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, मेघालय, ए इज द राइट आंसर। मेघालय के अंदर, मेघालय को हम अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स भी कहते हैं कि क्लाउड्स से भरा है। ठीक है, अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स भी वर्ड यूज किया जाता है, और प्लस यहाँ पे एक जगह है डेट इज मौनसम राम, जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। मौनसम राम के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। चेरापूंजी भी यहाँ पे ही है। गैरो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ भी जहाँ पे ही हैं, क्लियर, ये भी आपको याद रख लेना है। शिलोंग जो है इसकी कैपिटल है, शिलोंग क्या है, कैपिटल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल्स बहुत बार पेपर में पूछता है, इसकी कैपिटल क्या है, शिलोंग है। गवर्नर अगर पूछा तो R.N. Ravi हैं, गवर्नर पूछा R.N. Ravi हैं, और अगर इन्होंने पूछा चीफ मिनिस्टर के बारे में, डेट इज कॉनरेड संगमा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो आंसर क्या बनेगा 15 क्वेश्चन का, ए ऑप्शन, मेघालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वॉल्ट ऑफ द विष्णु जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, वॉल्ट ऑफ द विष्णु बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है जी आंसर। वॉल्ट ऑफ द विष्णु, अश्विन सांगी। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, अश्विन सांगी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बिलासपुर के से कौन सी जो रिवर है वो बहती है, बिलासपुर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सी रिवर बहती है, तो आंसर इसका क्या बनेगा 17th क्वेश्चन का, सतलज रिवर, दैट इज बी ऑप्शन, क्योंकि ब्यास
जो है ब्यास जो है आपकी वो कहाँ से बहती है, रोहतांग पास, रावी रोहतांग पास, ठीक है। जो सतलज है ये चलती है तिब्बत से, क्लियर क्रिक तिब्बत से, कैलाश माउंटेन रेंज से स्टार्ट होती है, शिपकिला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और अगेन जो है बिलासपुर से ये निकल जाती है और आगे जाके जो है ट्रिब्यूटरीज बनती हैं हिमालयन रेंज और किन्नौर वगैरह इलाकों के अंदर जो है ये घुस जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर। और सतलज को और क्या कहते हैं हम, सतुद्री कहते हैं, किसको, ऋग्वेदिक एज में सतुद्री, और ब्यास को विपास कहते हैं, रावी को पुरुषनी कहते हैं, चिनाब को असीकनी कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। तो आंसर क्या बनेगा जी आपका, बी ऑप्शन सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें बातें करते हैं कि बुद्ध भगवान ने खुद से अपनी जो बातें हैं इस बुक्स के अंदर देखने को मिलती हैं, कौन सी ऐसी जो बुक है इसके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए ये बुद्ध भगवान है जो गौतम बुद्ध हैं, पाली लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया था, उपदेश भी जो है पहला सारनाथ के अंदर जो है आपका धर्म चक्र परिवर्तन वो भी पाली लैंग्वेज में किया था, कॉमन लोगों की एक लैंग्वेज थी। तो इनका जो सारा कॉन्टेक्स्ट है, सारी चीज़ें हैं वो कहाँ पे देखने को मिली हैं, सुतपिटक। 18th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए सुतपिटक इज द राइट आंसर। और सुतपिटक किसने लिखी है, आनंद ने, किसने लिखी है, आनंद ने, ठीक है। और आनंद वही है, वही पर्सन है जो जिसने विमेन की एंट्री जो है जो इनके वो होते थे विहार वगैरह, ठीक है, मॉन्क्स नंस वगैरह को रहने के लिए इनके उसके अंदर यानी कि इनके धर्म के अंदर विमेन्स की एंट्री जो करवाई थी वो आनंद ने ही करवाई थी, ये भी आपको याद रखना है। और जो पहली बिखुनी, बिखुनी मतलब क्या होता है कि जो लड़की जो थी जिसने फॉलो किया था वो महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है, मतलब आई मीन टू से इनकी मदर थी जो पहली बिखुनी थी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आंसर बनेगा ए ऑप्शन सुतपिटक, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए जी, जो विनयपिटक है, विनयपिटक किसने लिखी थी, उपाली ने लिखी थी, क्लियर। और इसमें जितने भी मॉन्क्स और नंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पे इसमें लिखे गए हैं। तीसरी है अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक जो है वो किसने लिखी थी, इट्स मोगालीपुत्तिस ने लिखी थी, क्लियर, मोगालीपुत्तिस ने लिखी थी। और प्लस अभिधाम पिटक के अंदर जो है फिलोसफीज वगैरह के अंदर लिखा गया है, फिलोसफी, ठीक है, फिलॉसफी के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। और फोर्थ लिखा गया है मिलिंद पनो, सो मिलिंद पनो जो है वो किसके, मिलिंद पनो जो लिखी गई थी मिनांदर के ऊपर लिखी थी, मिलिंदा के ऊपर लिखी गई थी, क्वेश्चन आंसर इसमें देखने को मिले थे। और क्वेश्चन आंसर किसके थे, नागसेन और मिलिंदा के, तो ये बुक किसने लिखी थी, नागसेन ने लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, नागसेन ने। और प्लस वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि अच्छा ये बताओ कि इनकी सारी लैंग्वेज जो है पाली लैंग्वेज यूज़ करी गई थी, श्रीलंका के अंदर दीपवामसा, महावामसा, ठीक है, ये बुक्स लिखी गई हैं, महावामसा वगैरह बुक्स लिखी गई हैं, दीपवामसा, महावामसा। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर, जातक कथाएं, जातक टेल्स, जातक कथाएं क्या होती हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज ए, दैट इज सुतपिटक। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो हैं चेयरपर्सन अभी कौन से अपॉइंट किए गए हैं, आप बताइए जी फटाफट आंसर लिख के। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है NSE, इसके जो हेडक्वार्टर हैं पहले तो मुंबई हैं, और NSE का जो सेंसेक्स है वो क्या है, सॉरी इंडेक्स क्या है, डेट इज़ निफ्टी, और इसके अंदर 50 कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं, क्लियर। और एक होता है BSE, इसका भी मुंबई हेडक्वार्टर है, और इसकी जो है सेंसेक्स है इंडेक्स, और इसके अंदर 30 कंपनी रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसके जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन करे गए हैं, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। और वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि एक होता है बुल, एक होता है बियर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुल एंड बियर, बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट। बुल के जो सिंग होते हैं वो ऐसे ऊपर को होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ जी जब शेयर प्राइसेस ऊपर होने लग जाएंगे, शेयर प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे तो डैट मीन्स द बुल मार्केट, क्लियर। और शेयर प्राइसेस अगर डाउन चले जाएंगे तो डैट इज कॉल्ड बियरिश मार्केट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, डैट इज गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये कौन सी स्टेट में इनोग्रेट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सराय सीवेज
ट्रीटमेंट प्लान जो है ये कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है, आप आंसर बताएंगे। और ये जो ये चीज़ है मैं आपको बताऊं, सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जो है ये जो है एक्चुअली स्वीडन स्वीडन के किंग और क्वीन ने जो है इसको इनॉग्रेट किया है, और स्वीडन के जो किंग हैं किंग कार्ल, ठीक है किंग कार्ल, इसका याद रखना किंग कार्ल और किंग कार्ल 16 गुस्ताफ, ठीक है इन्होंने, और जो क्वीन का नाम है, क्वीन का नाम क्या है सिलिविया, और ये कहाँ से हैं और स्वीडन से हैं ये, ठीक है इन्होंने इनॉग्रेट किया था, और इनॉग्रेट कहाँ पे किया है, बी ऑप्शन डेट इज़ उत्तराखंड में इसको इनॉग्रेट किया गया है। और उत्तराखंड के जो आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलता है, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर देखने को मिलता है, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। और यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है, और कहाँ पे, ये देहरादून में, ठीक है देहरादून में है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर, IME इंडियन मिलिट्री अकेडमी भी कहाँ पे देखने को मिलती है, देहरादून में आंसर इसका बनता है। और प्लस जो है उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं, गवर्नर का नाम भी पूछा जा सकता है, डेट इज रानी मौर्या, ठीक है ये भी आपको याद रखना है। और CM अगर पूछा गया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है ये आंसर बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो ये बहुत सारे आंसर मैंने इसमें बता दिए हैं, तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, डेट इज उत्तराखंड, बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये सारे आंसर आपको याद कर लेने हैं। तो आज के लेक्चर में ही इतना ही था। सो बाकी आप जाने से पहले आपको बता दूं, मेरा GS कोर्स परचेज कर सकते हैं, GS कोर्स को परचेज करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जैसी ऐप डाउनलोड हो जाएगी आपकी तो इसमें आपको VIP 500 यूज़ करना पड़ेगा एज ए कोड, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। और प्लस इसके अंदर 250 लेक्चर्स हैं, 2 साल के लिए वैलिडिटी है, 2 साल तक आप इसको वीडियोज़ को देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ पहले दिन ही मिल जाएंगी आपको, और PDF भी हैं, डाउनलोड ऑप्शन भी इज़ देयर, ठीक है ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, मैं डेली क्विज शेयर करता हूँ, और जो इसकी PDF है इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, और इन सब के जो लिंक है वो आज मैं इसके अंदर भी डलवा दूंगा हमारे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे से सीधा भी जुड़ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, शाम को 6 बजे मिलेंगे, और 6 बजे वाली क्लास मिस मत करा करो, अगर कोई CDS वगैरह डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, और प्लस जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है, या UPSC की तैयारी कर रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।